नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सदीक अली राना और आप देख रहे हैं एसटीवी पाकिस्तान। आज आयशा वेलफेयर की जानिब से जो उनके पास सेंटर में बच्चियां काम करती हैं उन्हें रज़ाइयाँ दी गई। इससे पहले भी वो हैदराबाद शहर में रज़ाइयाँ बांट के आए हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा, कंप्लीट प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं। आयशा वेलफेयर की जो महक मैडम है उनसे भी बात कराएँगे और जो इस इदारे में काम करते हैं उनसे भी आपकी बात करवाएँगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं मोहम्मद दाई शेख आयशा वेलफेयर के प्लेटफार्म से। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने रज़ाइयों का प्रोग्राम सेकंड फेज़ का किया है। आज से पहले हमने जुमरात वाले दिन हमने रोडों पे लोगों को जो फुटपाथों पे सोते हैं या जो जिस तरीके से लोग रात में अपनी रात बसर करते हैं, हमने लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनको रज़ाइयाँ पहुँचाई और उनको इस हद तक भी किया कि उनको उड़ा कर भी आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूसरा फेज़ चालू किया है और जितने भी नीडेड लोग थे जो रज़ाइयों के हवाले से, आज हमने ऑफिस के अंदर ये प्रोग्राम रखा है और ये आप देखें हमने रज़ाइयाँ ये रखी हुई हैं, तो आज हम ये भी उनको तकसीम कर रहे हैं और मज़ीद तीसरा प्रोग्राम भी हमारा है। तो मेरी लोगों से अपील है कि आप आयशा वेलफेयर को अगर चाहें तो रज़ाइयाँ पहुँचा दें जिसकी कीमत 400 रुपये, नहीं चाहते हैं तो वो उसकी पेमेंट जमा करा दें, चाहें तो वो खुद ख़रीद के यहाँ पहुँचा दें ताकि और मज़ीद दूसरे लोगों की हम मदद कर सकें। तो आप हमारे आयशा वेलफेयर के पेज पर विज़िट करें, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, हमारा बैंक अकाउंट नंबर, हमारे ऑफिस का एड्रेस, तो आप उसको चेक करें और उसमें चाहे तो आप वहाँ उस हवाले से भेज दें, नहीं तो आप हमें हमारे नंबर पर रब्ता करें तो हमारा बंदा आपसे ये चीज़ कलेक्ट कर लेगा, चाहे तो आप हमारे ऑफिस में आके पहुँचा दें, जैसे आपको बेहतर लगे आयशा वेलफेयर की हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेरोज़ है और मैं यहाँ पर ब्यूटिशन के हवाले से टीचर हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टारगेट था रज़ाइयों का, वो हमने जो है सेंटर की स्टूडेंट को रज़ाइयाँ तकसीम की जो नीडेड थी उनको, और पिछले हफ्ते हमने रोड साइड पे ये टारगेट पूरा किया। तो मेरी अपील है लोगों से, जो लोग ये इस काम में हमारे साथ तआवुन कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रज़ाइयाँ या फिर एक रज़ाई की कीमत 400 रुपये है वो हमसे तआवुन करें और इसकी कीमत में हमारे से भरपूर हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा वेलफेयर की इंचार्ज सेंटर की, मेरा नाम आरफा है और मैं आज जो हमने ये प्रोग्राम प्रोवाइड किया है ये लोगों को रज़ाई देने का, जहाँ हमारे सेंटर में जितनी भी लड़कियाँ नीडेड हैं, गरीब हैं, जो यहाँ फ्री ऑफ कोर्स काम सीख रही हैं उनको हमने रज़ाई प्रोवाइड की है। और इसके अलावा जो हजरात यहाँ रज़ाई देना चाहते हैं गरीबों को यहाँ पहुँचा सकते हैं, अगर नहीं पहुँचा सकते तो आयशा वेलफेयर का अकाउंट है, ये रज़ाई 400 रुपये की है, आप लोग वहाँ अकाउंट में पैसे जमा करवाएँ और यहाँ रज़ाई तकसीम की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा वेलफेयर की जनरल सेक्रेटरी महक आयशा वेलफेयर के प्लेटफार्म से। आपने देखा कि पिछले हफ्ते हमने जुमेरात वाले दिन रोड पे सोने वाले, फुटपाथों पे सोने वाले या जो सर्दी की शिद्दत से कट्टों पे सो रहे थे उनको हमने नीचे बिछा कर भी रज़ाइयाँ दी, बाकायदा उन्हें रज़ाइयाँ उड़ाई भी, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने हमने ये सोचा कि हमने बाहर रोडों पर तो दे दी, जो हमारे पास काम कर रही हैं नीडेड बच्चियाँ जो मुस्तहिक भी हैं, हकदार भी हैं इस चीज़ की, हमने उन बच्चियों से पूछा कि आप बेटा आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी कि मैं आपको रज़ाइयाँ दूँ, आप लोगों को चाहिए, तो बच्चियाँ बड़ी खुश हुई कि बाजी ने हमारा ख्याल किया। फिर उन लोगों का मैंने नाम लिखा, सिलेक्ट किया, फिर मैंने उन्हें रज़ाइयाँ प्रोवाइड की और माशाल्लाह हम जिस तरह रज़ाइयाँ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे सारे मेंबर्स ने मिलके सब पहले 150 रुपये जो रज़ाइयों का इंतज़ाम किया था वो हमने रोडों पे दी थी। फिर हमारे साथ शाबुद्दीन अंकल जो हमारे न्यू मेंबर हैं तो उन्होंने हमें 100 रज़ाइयाँ प्रोवाइड की, उसमें से हमने अपनी बच्चियों को दिए। और अब आगे भी मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को मैं ऐसे ही लेके चलती रहूँ, तो इसलिए अभी झोपड़ियाँ रह गई हैं देखें और कच्चे कच्चे घर हैं जिनके जिनको बहुत ज़्यादा नीड है उनके लिए, या यतीम खाना है उनमें जो 25 बच्चों का नाम मुझे उन्होंने दिया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों ने, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन तक भी उनकी प्रोवाइड कर सकूँ मैं रज़ाइयाँ। तो मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि प्लीज़ आयशा वेलफेयर का साथ दें, एक रज़ाई की कीमत 400 रुपये, आपके 400 रुपये से अगर वो सर्दी की शिद्दत में सोया हुआ बंदा उसको सुकून आ जाता है तो आप सोचें कि आपने कितनी बड़ी नेकी कर ली। अभी हम अपने घर पे अपने आप के लिए बर्दाश्त करें कि हमें 2-2 ब्लैंकेट्स चाहिए ना, अपने लिए ही फील करें, तो हम एक 400 रुपये की रज़ाई तो हम किसी को दे ही सकते, तो इस नेकी में अपना हिस्सा मिलाएँ। अगर आप चाहते हैं, हमारा इजी पैसा अकाउंट भी है, हमारा जैज़ बैंक में भी अकाउंट है, बाकी आप हमारा नंबर भी नोट कर लें, और आयशा वेलफेयर का ऑफिस है फुलेली दालपाड़ा नादरा ऑफिस में, आप विज़िट करें, हमारा काम देखें, हमसे मुतमईन हो, फिर हमारा साथ दें। बहुत अच्छा काम चल रहा है और हमारी बाजी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करती है और आज उन्होंने ये रज़ाइयाँ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की,
तो हाँ लोग बहुत दुआएं दे रहे हैं, हमारा सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है। महकबा जी यहाँ पर बहुत सपोर्ट करती है, गरीबों की बहुत हेल्प हो रही है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर काम सीखने आ रही हूँ तो बहुत अच्छे से काम भी सिखा रहे हैं, बहुत सपोर्ट हो रही है। अपनी ज़ुबान से कुछ कहना चाहनी है, महकबा जी बहुत अच्छा सानू सिखा रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो अल्लाह ताला इन बरकत दे तो होर ही साडा सेंटर वधे। जी नाज़रीन बिल्कुल आपने देखा, आशा वेलफेयर की जानिब से इससे पहले भी ज़ाहिर है उन्होंने पूरे हैदराबाद में जाके गरीबों में रज़ाइयाँ दी, और आज जो उनके पास सेंटर में बच्चियाँ काम करती हैं जो उन्हें भी बच्चियों को दी, और इसके अलावा भी इन्होंने अपील की है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा तआवुन किया जाए। इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।